अब रुक कर लेते हैं कुछ खबरों की ओर। मुंगावली में बहादुरपुर खनिज विभाग ने दो ट्रैक्टरों को रेत का अवैध परिवहन करते जब्त कर लिया। ठेकेदार के पास रॉयल्टी के नाम पर दी जाने वाली एएन कंस्ट्रक्शन की पर्ची नहीं मिली। वहीं कुछ ही दूरी पर नदी में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन करने वाली मशीन पर कार्रवाई नहीं की गई। बहादुरपुर क्षेत्र में खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है। दिन रात मशीनों से नदियों को छलनी किया जा रहा है। दूसरी ओर खनिज विभाग के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते नजर आ रहे हैं। वहीं वाहनों को जब्त कर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ठेकेदार बनकर जिले भर में नदियों को छलनी किया जा रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई सामने नहीं की जा रही है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और कार्रवाई सवालों के घेरे पर है। मतलब पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा, तो क्यों पकड़े? मतलब जे हम रेता लेकर जा रहे थे, लालटी की है हमारे पास, 2000 रुपए की हमने भरवाई करी। हाँ। तो कहीं कहीं से कहीं पकड़े होगा, कहीं जी लालटी है असली वाली। अच्छा, कहीं से कहीं तक चले जाना रेंज में, कनेक्ट में कहीं भी पुलिस प्रशासन कोई नहीं पकड़े जी। कितने ट्रैक्टर पकड़े तुम्हारे? मतलब दो जी धरे ही है, मैं सी और एक पावर ट्रैक। मेरा तो रास्ते में है, तो मैंने जल्दी खाली कर दिया। हाँ। मेरा नहीं पकड़ो भाव, मेरा निकल गया वहाँ से, खाली कर दो मैंने जल्दी, तो मेरा नहीं पकड़ पाओ जी, दो पकड़ ला। चलो ठीक है, 2000 रुपया जा पड़ता है, चार हजार ले जाने आप जिले में कहीं भी ले जाता, मतलब पुलिस वालों ने। अच्छा अच्छा, भी जानकारी के लिए इसी खबर पर हमारे साथ में संवाददाता जंडेल यादव जुड़ चुके हैं। जंडेल, मुंगावली से एक खबर सामने आई है जहां पर खनिज विभाग ने दो ट्रैक्टरों को रेत का अवैध उत्खनन करते हुए पकड़ा है, पूरी जानकारी क्या है? जी मैं आपको बता दूं, ये मुंगावली से सटा हुआ बहादुरपुर तहसील के अंतर्गत, उप तहसील के अंतर्गत पास में एक नदी है, वहाँ पे अवैध खनन जोरों पर है जी। और वहाँ पे जो खनिज इंस्पेक्टर थे, माइनिंग के अधिकारी, उन्होंने नदी से थोड़ी ही दूर जहाँ पे खने रेत का अवैध उत्खनन चल रहा है, वहां से कुछ दूरी पर ही ट्रैक्टरों को, तो ट्रैक्टर चालकों पर तो कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहाँ पे जो अवैध खनन चल रहा है उन मशीनों पर, उन्होंने फर्जी ठेकेदारों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है जी। जंडेल, बड़ा सवाल उठता है अधिकारियों पर कि लगातार कार्रवाई ट्रैक्टरों पर तो की जा रही है, लेकिन जिसका जहां से ये अवैध उत्खनन लगातार जारी है, जैसे कि मशीनों से इसका संचालन किया जा रहा है, उत्खनन किया जा रहा है, आखिर उन पर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है और अधिकारी इस बात पर क्यों मौन बैठे हैं? मैं आपको बता दूं, तो इसमें अधिकारियों पर राजनीतिक दबाव भी हो सकता है और खाली ठेकेदार की दमंगियाई का भी असर अधिकारियों पर देखा जा रहा है, जिससे वहां के क्षेत्र का माहौल, क्षेत्र के रहवासियों द्वारा बताया जाता है कि यहाँ मतलब अधिकारी बिके हुए साबित हो रहे हैं अपराध ठेकेदार के द्वारा जी। वहाँ के रहवासियों की बात की जाए तो क्या उन्होंने प्रशासन शासन से इसकी शिकायत नहीं करवाई है अधिकारियों की? जी जी जी, कई बार शिकायतें हुई है, तो खाना पूर्ति के लिए वहीं की वहीं पकौती करके छोड़ दिया जाता है जी। बहुत बहुत शुक्रिया जंडेल, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे इस वक्त की मुंगावली से, जहां पर मुंगावली में बहादुरपुर खनिज विभाग ने दो ट्रैक्टरों को रेत पर का अवैध परिवहन करते जब्त कर लिया है। बता दें कि ठेकेदार के पास रॉयल्टी के नाम पर दी जाने वाली एएम कंस्ट्रक्शन की पर्ची नहीं मिली। वहीं कुछ ही दूरी पर नदी में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन करने वाली मशीन पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो वहीं पर बहादुरपुर क्षेत्र में खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है। दिन रात मशीनों से नदियों को छलनी किया जा रहा है। दूसरी ओर खनिज विभाग के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं करते हैं। तो वहीं पर वाहनों को जब्त कर कार्रवाई के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की जा रही है। चौंकाने वाली बात यह है कि ठेकेदार बनकर जिले भर में नदियों को छलनी किया जा रहा है, लेकिन उनकी गिरफ्तारी जैसी कोई कार्रवाई नहीं होती है। जिले के वरिष्ठ अधिकारियों की कार्यप्रणाली और कार्रवाई सवालों के घेरे में नजर आ रही है। तो एक खबर आपको बता रहे हैं मुंगावली से, मध्य प्रदेश के मुंगावली से, जहां पर माफियाओं पर अधिकारी कोई कार्रवाई करते नजर नहीं आ रहे हैं। बता दें कि ट्रैक्टरों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन वहीं पर बहादुरपुर क्षेत्र में धड़ल्ले से उत्खनन चल रहा है, मशीनों से नदियों को छलनी किया जा रहा है, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है।
तो वहीं पर जब इस पूरी खबर पर खनिज अधिकारी अजय मिश्रा से हमने सवाल पूछने की कोशिश की तो उन्होंने हमारी सवालों का कोई जवाब नहीं दिया है, तो इससे बचते नजर आ रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं इस वक्त की मुंगावली से, जहां पर मुंगावली में बहादुरपुर खनिज विभाग ने दो ट्रैक्टरों को रेत का अवैध परिवहन करते जब्त कर लिया, लेकिन ठेकेदार के पास रॉयल्टी के नाम पर दी जाने वाली एएन कंस्ट्रक्शन की पर्ची नहीं मिली। वहीं कुछ ही दूरी पर नदी में धड़ल्ले से अवैध उत्खनन करने वाली मशीन पर कार्रवाई नहीं की गई। बहादुरपुर क्षेत्र में खुलेआम अवैध उत्खनन चल रहा है, दिन रात मशीनों से नदियों को छलनी किया जा रहा है। तो वहीं दूसरी ओर खनिज विभाग के अधिकारी कोई ठोस कार्रवाई नहीं कर रहे, और जब इस मामले पर उनसे बात की गई तो वो इससे इनकार करते और भागते नजर आए।